Hey guys, so welcome back to my channel Inclan Beauties. I hope you all are doing well. और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बिगनर्स हैं वो कैसे आईलाइंस लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल कलरफुल आईलाइंस की बहुत ज़्यादा ट्रेंड चली हुई है. बट जो बिगनर्स होते हैं उनको कोई हैबिट नहीं होती आईलाइंस लगाने की. दैट्स वाई यदि वो कॉन्टैक्ट लेंसेस खरीद भी लेते हैं तो भी वो लगा नहीं पाते. तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी कॉन्टैक्ट लेंसेस लगाने में, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ आई लेंस लगाने के तरीके ही नहीं बताने वाली, बल्कि मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ शेयर करूंगी कि जब मैं फर्स्ट बार आई लेंस लगा रही थी तो मुझे क्या क्या दिक्कत आई थी, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको याद से करनी है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. सो फ्रेंड्स, आई लेंस लगाने से पहले मेक श्योर कि आपके फेस पर कोई भी मेकअप ना हो. मैंने अभी यहाँ पे कोई भी मेकअप यूज नहीं किया है. आई के दूर दूर तक एरिया में मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया है. यहाँ पे मैं जो कॉन्टैक्ट लेंसेस मंगवाई हूँ ये मैं मंगवाई हूँ अमेजोन से. तो ये कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है यहाँ पे 329 रुपीज की है. 3 डिफरेंट कलर्स की कॉन्टैक्ट लेंसेज मिलती है 0 पावर की. इसे सिर्फ आप केवल 1 मंथ तक ही यूज कर सकते हो. ये बस डिस्पोजल आई लेंस है, इसको आपको यूज करना है. चाहे तो 1 से 2 बार या 3 बार भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर आपको इसे थ्रो कर देना है. यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट कलर्स की कॉन्टैक्ट लेंसेज मंगवाई है. ये रही है 3 डिफरेंट कलर्स की, जो की है एक ग्रे, दूसरा है ब्राउन एंड तीसरा है ब्लू. और इसके साथ ये मिल जाता है एक सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. और साथ ही इस सेट के साथ मुझे मिलता है एक कंटेनर, जिसमें कि हम अपने आई लेंस को जब हम रिमूव करेंगे आईज से तो हम यहाँ पे 1 मंथ के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको करना ये है कि अपने हैंड्स को आपको अच्छे से वॉश करना है, और वॉश करके आपको एक साफ तौलिए से अपने हाथों को ड्राई कर लेना. तो ये मैंने अपने हाथों को अच्छे से धोकर ड्राई कर लिया है. तो आप कोई सा भी कॉन्टैक्ट लेंस लेते हो वो पहले से एक सॉल्यूशन में डिप किया रहता है. यदि ऐसा नहीं रहेगा तो ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा और आपके आंखों पर आ नहीं पाएगा. तो हमें सबसे पहले इसे निकालना है कुछ इस तरीके से. तो मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है ताकि ये आपको अच्छे से दिख सके. तो यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से निकालूंगी. फिर इसे मैं अपने हथेली पे इस तरीके से रख लूंगी. आप देख सकते हो, फिर इसे हमें कुछ इस तरीके से रखना है अपने हैंड्स में. मीन्स कि आप देख सकते हो इसे मैंने ऊपर की तरफ रख दिया है. और अब आपको फिंगर टिप्स में इस तरीके से इसे ले लेना है. ओके, तो इस तरीके से आपको लेना है. उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने हैंड से आपको अपने आँखों को इस तरीके से ओपन करना है. तो इसे आपको बहुत देर तक एयर में नहीं रखना है, डायरेक्ट आपको अपने आँखों में इसे सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से. तो इसे आपको ऐसे ही रखना है और ये अपने आप जो हमारा लेंस है, आंखों का लेंस है, वो उसके पास खुद ब खुद चला जाएगा. तो आपको ब्लिंक नहीं करना है. जब मैं फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट लेंस लगाने जा रही थी तो उससे पहले मैंने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे थे, बट मुझे वो वीडियोस बिल्कुल भी काम नहीं आए, क्योंकि उसमें बहुत सारे में ऐसा बोला गया था कि आपको इसे लगाकर 2-3 बार आपको ब्लिंक करना अपने आंखों को. मैंने 2-3 बार ब्लिंक किया और ये जो कॉन्टैक्ट लेंस था वो मेरे पलकों, वो मेरा जो अपर आईलिड है वो इसके अंदर चला गया था. और हालांकि वो निकल गया था बट मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी. और ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इसे लगाकर अपने आँखों को बिल्कुल खोले ही रखना है, क्योंकि ये जो लेंस है इसका साइज ही, इसका डिज़ाइन ही इस टाइप का रहता है. ये आपके आई बॉल्स के उभार वाले लेंस के पास जाकर खुद ब खुद सेट हो जाता है. तो आपको इसे अपने आँखों में रख कर 2-3 मिनट तक होल्ड रखना है. आपको ब्लिंक नहीं करना है अपने आईज को, जैसे मैं यहाँ पर की हुई हूँ. आई लेंस लगाने के बाद तो हो सकता है कि आपके आंखों से पानी निकले, और यदि ज़्यादा पानी आपके आंखों से निकलता है तो आपको आई लेंस हटा लेनी है, क्योंकि आई लेंस लगाते वक्त जलन
बिल्कुल नहीं होती, मुझे तो नहीं हुई थी, स्टार्टिंग में भी नहीं हुई थी, लेकिन कई वीडियोस में ऐसा बोला जाता है कि यदि जलन होती है तो दूर तक आप बर्दाश्त कर लो, उसके बाद वो जलन खत्म हो जाती है। बट मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगी, यदि जलन होती है तो दैट मीन्स कि आपका जो आई लेंस आपको मिला है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा पुराना हो या उसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा पुराना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है तभी आपको अपना आई लेंस यूज़ करना है। यदि जलन होता है तो आपको आई लेंस तुरंत निकालना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आंखों से 2-3 बार इस तरीके से आंसू निकल सकते हैं। तो मैं आपको मेकअप करने से पहले ही लेंस लगाने के लिए प्रेफर करूंगी, क्योंकि कई बार लेंस लगाने से इस तरीके से पानी भी बाहर आ सकता है आंखों से। अब मैं आपको बताती हूँ कि सोल्यूशन के जगह पे आप वाटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में तो फर्स्ट टाइम जब मैंने कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया था ना, तो मुझे अपनी आँखों की इतनी ज़्यादा फिक्र थी कि मुझे इन सॉल्यूशन पे बिल्कुल भी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था। और मैंने सोचा क्यों ना इसे फिल्टर के वाटर में अच्छे से डिप करके फिर इसे अपने आई में लगा लेते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे ही किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो कॉन्टैक्ट लेंस थे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूती से मेरे आँखों में जाकर इस तरीके से चिपक गए थे कि निकल ही नहीं पा रहे थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो गया था और काफ़ी ज़्यादा मैं घबरा गई थी कि मैं फर्स्ट टाइम लेंस यूज़ कर रही हूँ, कहीं मेरे आँख खराब ना हो जाए। तो फिर जैसे तैसे वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से फिर वो निकल पाया था मेरे आँखों से, बट हाँ निकल गया था, ऐसा नहीं था कि वो चिपका ही रह गया था, बट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी और मैं ज़्यादा घबरा भी गई थी। तो यदि आप बिगनर्स हो तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना कि आप वाटर में डिप करके उसे अपनी आँखों में लगाओ। नहीं, आपको सॉल्यूशन ही यूज़ करना है, क्योंकि आप भी देखते होंगे कि हमारे जो आंसू निकलते हैं वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो इसलिए वाटर कहीं से भी बेस्ट नहीं होगा कॉन्टैक्ट लेंस को डिप करके लगाने के लिए। तो आपको इसका सॉल्यूशन ही यूज़ करना है। ऑनलाइन बहुत सारे से सॉल्यूशंस आते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे आपको रिमूव कैसे करना है। तो मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे जूम इन कर लिया है कैमरे को ताकि आपको अच्छे से दिख सके। वो क्या करना है कि अपने आईज को बस इस तरीके से आपको ओपन करना है, राइट? आपको बस एक जगह पे देखना है और फिर अपने हैंड्स के फिंगर टिप्स को आपको यहाँ पे इस तरीके से लाना है। सो दैट्स इट, ये निकल गया। बस आपको इतना ही करना है, आपको चीज़ें ध्यान से फॉलो करनी है जो भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। और ये जो कॉन्टैक्ट लेंस आप निकालते हो, यदि इसमें सॉल्यूशन बचा है तो आप कुछ देर के लिए उसे यहाँ पे डिप कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको इस तरीके का जो कंटेनर मिलता है आपको इसी में इसे स्टोर करके रखना है ताकि इसमें किसी तरीके की कोई बैक्टीरिया ना आ जाए, और यदि आप फिर से आप उसे यूज़ करते हो तो वो आपकी आँखों को इन्फेक्ट ना कर सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद आप जितना भी कलरफुल आई लेंस लगाओ, कोई भी दिक्कत आपको आगे नहीं आने वाली है। सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, और यदि चैनल पर न्यू आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो ताकि मेरे इन फ्यूचर जो भी वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो अब मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो नाउ टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।